शुक्र शनि एक साथ हो, राहु गुरु एक साथ हो या गुरु शनि एक साथ हो, तो ऐसे में आपको कौन से खास नियम और सावधानियों का जरूर पालन करना चाहिए, और अगर इस योग के अशुभ प्रभाव है, परिणाम है, तो कौन से उपाय इन्हें करने चाहिए? पंडित जी देखिए, अगर कोई मेष लग्न का जातक है और उसकी कुंडली में बृहस्पति शनि एक साथ हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो उसके लिए अच्छा है, नवमेष दसमेष की युति हो गई। लेकिन इसको धर्म कर्माधिपति योग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि शनि एकादश का भी स्वामी है। लाभारहित्रय धिपा पापा रंध्रेशो न शुभप्रद। एकादश भाव का स्वामी पापग्रह शुभकारी होता है, लेकिन वो कारक नहीं होता है। तो गुरु शनि की युति अगर कुंडली में है तो मांसाहार और मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ऐसे आदमी को मन लगा करके भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, भगवान शिव को अपने त्रिकुटी पर ध्यान करना चाहिए, बृहस्पति को मजबूत करने के लिए तीन मुखी और पांच मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। अगर हो सके तो रुद्राक्ष को सोने में पिरो करके उसे धारण किया जाए तो बहुत अच्छा परिणाम आता है। हर रोज अपने घर में शाम के समय सरसों के तेल का एक दिया जलाना चाहिए। इसी तरह से राहु गुरु की युति को गुरु चांडाल योग कहते हैं। राहु और बृहस्पति की जब युति होती है तो ऐसा आदमी नास्तिक होता है, ऐसा आदमी बहुत धार्मिक नहीं होता है। लेकिन अगर दोनों की डिग्री नज़दीक हों, तो अगर दोनों के डिग्री में 12 डिग्री से ज़्यादा अंतर है, तो ऐसा आदमी आस्तिक भी हो सकता है। लेकिन ये गुरु चांडाल योग तो है आखिर में, या बृहस्पति में राहु की अंतर्दशा हो या राहु में गुरु की अंतर्दशा हो, तब भी 2 ग्राम का सोने का लॉकेट बनवा करके और उसकी तांबे पीतल की थाली में पान के पत्ते पर रख करके उसको शिव भगवान मान करके विधिवत पूजा करने से और थाली सहित शिव प्रतिमा दान करने से इस मतलब की कुयोग से छुटकारा मिलता है। तो अगर ये किसी तरह का अशुभ परिणाम से आप बचना चाहते हैं तो गाय को चारा खिलाते रहिए, हनुमान जी की उपासना करते रहिए, भगवान शिव का अभिषेक करिए, हल्दी और चंदन का तिलक लगाइए, घर में नियमित पूजा पाठ और हवन करिए। शुक्र शनि की युति है, शुक्र शनि की युति देखिए वृषभ लग्न वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए, मकर कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र शनि की युति राजयोग कारक भी होती है। लेकिन अगर किसी का शुक्र शनि छठे भाव में हो या शुक्र शनि परस्पर एक दूसरे को देखते हों, शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही हो और शुक्र रोग भाव के स्वामी के साथ युत हो, तो ऐसे समय में कर्क रोग कैंसर से संबंधित बीमारी होने की भी संभावना रहती है। इस दशा के पहले आदमी को महामृत्युंजय जरूर कराना चाहिए और शुक्र शनि की युति होने पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, परफ्यूम लगाना चाहिए, भूखे लोगों को शनिवार को उड़द के दाल की खिचड़ी बनाकर खिलानी चाहिए, उसके साथ काले गुलाब जामुन भी खिलाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।